रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कस्टमर केयर से जो बात हुआ था। मैं 3 प्रीमियम अपना जमा किया हूँ मैक्स लाइफ में। ओके ओके मैम, अपना जो मैं प्रीमियम जमा किया मैं उसको चाहिए, उसको इस टाइम हमारा थोड़ा इमरजेंसी है, पैसे की जरूरत है। पॉलिसी का नंबर जान सकती हूँ मैं? जी मैम, 3334। जी सर, रीजन बता दीजिए, पॉलिसी को सरेंडर क्यों करवाना है, क्या मैं रीजन जान सकती हूँ? जी मैम, पैसे की आवश्यकता है, फाइनेंशियल इशू है। जी मैम। सर मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आशिक अली। ओके मिस्टर आशिक अली जी, देखिए जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ सर, 2019 में आपने पॉलिसी को खरीदा है राइट? जी। एंड जो है आपकी रिक्वेस्ट भी बस आई हुई है पॉलिसी को सरेंडर करवाने के लिए, ठीक है जी। लेकिन सर जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, देखिए सर आज के डेट में अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? एग्रीमेंट किया हुआ है अपनी पॉलिसी में, वो किया हुआ है लगभग 181,000 रुपए का राइट? क्या मैं? 108,000 रुपए का राइट? जी मैम। 108,000 रुपए का आपने पेमेंट किया हुआ है अपनी पॉलिसी में, 150 रुपए का जी। एंड एज अ कैश सरेंडर वैल्यू जो आपको अमाउंट दिया जाएगा सर, सिर्फ 53,000 ही दिया जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर कस्टमर अपनी पॉलिसी को बीच में कैंसिल करते हैं या सरेंडर करते हैं अपनी पॉलिसी को, तो सर उनको बिल्कुल जो है मिस्टर आशिक जी उनको लॉस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी तक रहेंगे हमारे साथ, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी तक सर आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि सर जो आपका प्लान है वो बहुत ही अच्छा प्लान है, फ्यूचर जीनियस एजुकेशन प्लान है। आखिरी के 4 साल में जो है वो आपको इनकम प्रोवाइड की जाती है हमारी तरफ से, ठीक है। उसके अलावा आपके बोनसेस बनने शुरू होते हैं, इसमें एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको बोनस दिए जाते हैं। डेथ कवर जो होता है वो देते हैं कंपनी, रिस्क कवर। लेकिन मैम हमें इस टाइम में पैसे की आवश्यकता है, जो हमारा पैसा है वो हमें तो कम से कम मिलना चाहिए। मैं 3 साल जो जमा किया उससे इंटरेस्ट नहीं मांग रहा हूँ मैं, लेकिन जो हमारा पैसा वो तो मिलना चाहिए हमें। सर देखिए, ये जब आप पॉलिसी को परचेज करते हैं ना, जब आपको बॉन्ड पेपर दिए जाते हैं, जब आप पॉलिसी को खरीदते हैं तो आपको सर पॉलिसी के पैक्स दिए जाते हैं, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं सर, पॉलिसी पैक्स में भी ये चीज मेंशन है कि मतलब आपको आपकी पॉलिसी में अगर आप बीच में सरेंडर करेंगे तो आपको लॉस ही होगा मैम। लेकिन जिस टाइम मैं प्रीमियम जो मैं लिया था उस टाइम तो हमें कोई नहीं बताया कि अगर आप बीच में सरेंडर करते हैं तो आपको ये जैसे आपको हाफ पैसा दिया जाएगा। देखिए सर मैं माफी चाहती हूँ, आपको किसी ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी नहीं, लेकिन सर आपके बॉन्ड पेपर में भी ये चीज मेंशन होती है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसे। मैम आपके माफी से थोड़ी हमारा पैसा आ जाएगा, लेकिन ये पहले क्लियर बता देना चाहिए आप लोगों को कि अगर आप बीच में सरेंडर करते हैं तो आपको 50% नहीं पैसा दिया जाएगा, ये तो बता देना चाहिए पहले ही आप लोगों को, फिर हमें समझ में आता तो हमें प्रीमियम में लेता, नहीं तो नहीं लेता मैं। देखिए सर मैं माफी चाहती हूँ, आपको इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको अभी आपको अभी आपको बता कि क्या फायदा, अगर पहले ये बात बताया होते आप लोग तो हमें समझ में आता तो मैं ये प्रीमियम लिया होता, नहीं तो मैं उसी टाइम में खारिज इसको कैंसिल कर दिया होता कि बीच में हमें मान लीजिए पैसे की आवश्यकता है, उस टाइम में आप बोलो कि सिर्फ आपको आधा पैसा दिया जाएगा। सर टर्म्स एंड कंडीशंस के बियॉन्ड तो सर देखिए हम भी नहीं जा सकते हैं, जो चीज मुझे शो हो रही है सर वो मैंने आपको चीज बता दी है। मैम ये कैसा बात हुआ कि मैं आपके पास जमा के 1,08,000 रुपए और आप सिर्फ बोल रहे 53,000 ही बस आपको मिलेगा, ये कौन सा बात है मैम? 10 आप बहुत काटेंगे तो 8,000 रुपए काट लीजिए, हमारे मुश्किल नहीं, 1,00,000 तो कम से कम हमें दे दीजिए। सर ये चीज आपके बॉन्ड पेपर में मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं, लिखित में भी एक चीज लिखी हुई है। पेपर मालूम है कब आता है मैम? ये 15 दिन के बाद आता है, जब हम लोग पहला प्रीमियम भर लेते तब आता है। उस समय कैसे कोई जानेगा, जब एक प्रीमियम ले लेने के बाद से एक प्रीमियम भरने के बाद से 15 दिन बाद बाइक पोस्ट आता है तो कोई कैसे जानेगा? आप और इतना हम लोग पढ़े लिखे है नहीं कि अपना इतना ये सब जानेंगे कि ये सब है। मैम कुछ बताइए कि हमारा पैसा जो है वो मिल जाए हमें। देखिए सर आपके पॉलिसी में जो है वो लोन भी नहीं है, ठीक है,
आपकी पॉलिसी में सर देखिए इनकम है इसमें लोन और बोनस दोनों ही नहीं है सर, आप नहीं ले सकते। तो लास्ट में जो है आपको मनी बैक दिया जाएगा उन्हीं की तरफ से, लोन भी नहीं ले सकते हम। नहीं सर, लोन मैं जो एजेंट जो हमारा कराया था वो तो बोल रहे थे आप लोन ले सकते हैं इसमें। नहीं सर, लोन आपकी पॉलिसी में नहीं है। कोई और पॉलिसी चल रही है आपके मैक्स लाइफ में? नहीं मैम, ये तो इसी में। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लिए नीचे एक और वीडियो उसको देख सकते हैं आप।